अभी मैं न्यूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं डिडवाड़ी गांव में हूँ और मेरे बिल्कुल बैक साइड में आप देखने लग रहे होगे यो है वो मकान जिस घर में सोनू जो कल ही करवा चौथ वाले दिन जिसने अपनी अंतिम सांस ली, भाई हम उसकी हत्या की तो पुष्टि नहीं करेंगे लेकिन उसने अगर सुसाइड भी कराया तो कारण बहुत बड़ा रहा होगा और इतना बड़ा कारण रहा होगा कोई सोचो कि भाई किसी ने अपनी जान दी तो क्यों दी। भाई साहब राम राम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वेद सिंह है जी। वेद जी आप पड़ोसी हो? मैं पड़ोसी हूँ जी, मेरा घर है बिल्कुल सामने, सोनू के बिल्कुल सामने, बिल्कुल सामने। तो मतलब दोनों के बीच में आपकी तो दोनों के ऊपर नजर थी, बिल्कुल थी। तो क्या लगा करता पहले से ही इसके सीमा के और इस संजय के नाजायज संबंध थे? कई कई घंटे तक ये छत पर वो भी हमने देखा, मना भी किया लेकिन ये नहीं मानने वाले। ये तो जग जाहिर सोता था। हाँ जी, फोन पे सबने पता था जी, फोन पे बात किया करते, फोन पे बात करते, आपस में इशारे भी करते थे जी। कल कब आप लोगों को ये पता चला कि भाई सोनू इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है? कहीं खेत वाले का फोन आया 8:30 जी हमारे पास, हम तो वहाँ गए सुबह जी, वहाँ गए तो उसके थोड़े सर पे निशान भी थे और वो मेरा मिला हमने, चोट पेट के निशान थे सर में निशान थे। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आपकी क्या है कि भाई आशंका क्या है, हत्या है आत्महत्या है? देखो जी, इसके बारे में तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओगी ये पता लगेगा, बाकी मारा तो पूरा शक है कि मारा भाई मार के गए रखे। पूरा शक है? पूरा शक है जी। बहुत बड़ी बात आपने कही है। अच्छा शक किस पे है? शक बस यही है जी, ये पहले भी इसके घर में बढ़िया था मारने के लिए 1 बजे रात। नाम क्या है इसका? संजय नाम है। पहले मारने थे भीतर पड़ गया? हाँ जी, इसी को लड़के को सोनू को मारने के लिए रात ने 1 बजे 2 बजे भी पड़ गया। दो तीन महीने पहले की बात है, अंदर घुसा ये, अंदर गेट पार करके कूद गया अंदर। तो अंदर इसके जो पाया गया है इसके पास जैसे वो बोलते ना अपना ये कुआडिया चक्कू थे। देखे जब अंदर मिले उसके पास से, हमने सभी ने देखे। जब रोड़ा गया इनका, जब गए पुलिस को सौंप दिया। हाँ उल्लामाचा जब सारे इकट्ठे हुए, हाँ उसके बाद भी पुलिस को सौंप दिया गया उसको। मतलब इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट पहले है? हाँ रिपोर्ट ऑलरेडी है। कार्रवाई क्या हुई इस पर? कोई कार्रवाई नहीं हुई, अन्य ही इन पे ही आरोप लगा दिए उल्टे सोनू और इसकी माँ पे। अगर भाई ये मतलब ये नहीं आया है, मतलब ये चाकू और जो आपने कुआड़िया जो दिखाया है ये तुम्हारे ही हैं, ये झूठे हैं। ये जो हथियार जो साथ लेके गया था उनका लंबी इन पे लगा दिया कि थरे हैं। हाँ उल्टा आरोप ही नहीं पे लगा दिया गया। उसके बाद फिर ये 2 दिन ये उधर थाने में बंद करके रखा सोनू। मतलब वो बंदा जो इन किसकी उसकी पत्नी का आशिक है, उसके घर मारने के लिए घुसता है और उसको मारता पीटता है, धारदार हथियार लेके जाता है, लेकिन पकड़ा वो जाता है। सोनू को अंदर गया। मतलब वही हो गया ना, उल्टा चोर कोतवाल ने डाटा है। उल्टा चोर कोतवाल को डाटा। अच्छा अब आशंका है कि भाई हाथ उसका है उनका, आप लोगों को ये 100% है? 100% है। तो वो कहाँ है, घर पे ही है गिरफ्तारी? ये कुछ अब तक कुछ नहीं होया, जैसे पुलिस वगैरह इस मामले में आई नहीं, पुलिस नहीं आई है। जैसे अब सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम हुआ है उसके बाद कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो अमर उजाला के अखबार के मुताबिक हमने जो एडिंग पढ़ी है अगर भी उनको मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक उन पर कोई पैरवी नहीं की गई। पुलिस आई देखे भी नहीं? भाई साहब आप तो पड़ोसी हो, पुलिस देखे भी नहीं? ना ना बिल्कुल भी नहीं, एक बार भी नहीं आई पुलिस। बंदा देखे घर पे है? घर पे है जी। तो मतलब कति निर्भय है, नो बेराब है तेरा, कुछ नहीं बिगड़े? कुछ नहीं बिगड़े जी। तो जुल्म की बात नहीं होगी? ये तो जुल्म है जी कति। अच्छा मैंने सुनने में आया है पड़ोसिया ने बताया कि जो संजय है उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं, वो छोड़ दी। हाँ छोड़ रखी है। और तीसरी इसको बजा लेगा, तीसरी अब इसका घर को बर्बाद कर दिया गया। और पहले इसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, सर पर कुछ नहीं रहा, एक बुढ़ी रे वो बालक। हाँ 2 बच्चे हैं जी, वो इनकी दादी है बच्चों। तो भाई देखो सीधे तौर पर पड़ोसी कभी किसी के सामने आके बयान नहीं देते, पड़ोसी कदे आगे नू ना कर हम क्यों पंगा मोल लेवे, लेकिन इन लोगों ने भी नू लग गया कि भाई बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है।
और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भाई साहब उठानी भी चाहिए, ना तो ना तड़के यो छोटी सी गुमड़ी ना बड़ा फोड़ा बन जाओ है, यह बात तो मानते हो गए और बन गया, ये तो घर बर्बाद कर दिया। हाँ जी कर दिया, शुरू में अगर सख्त हो जाते तो शायद आज यह बात भी ना होती। मलिक साहब कहीं ना कहीं पुलिस का भी इसमें ये लगा लीजिए, ये जैसे भाई साहब बता रहे हैं ना, पुलिस ने आई अब तक बिल्कुल, और उससे पहले भी ये बता रहे हैं जो एप्लीकेशन दी गई थी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की, और वो जो बहन थी अंदर बता रही थी भाई हम पैसे वाले नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए वही बात थी ना भाई, कार्रवाई नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले को दबा रही है, छिपा रही है। जैसे ये दो भाई हैं, चलो ये जलते होंगे बूंदते होंगे, कह रहे हैं होश क्या है, और भी दो हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते भाई। जैसे ये मामला तो आपके सामने है, घर में नाश हो गया, नाश हो गया, सारा परिवार उजड़ गया, तो जैसे इन भाइयों ने सिद्ध आशंका जताई, इसने बिल्कुल सामने वाला घर है, आपको क्या लग रहा है? जज बात है, वो जो बात इन्होंने कही है, मतलब विचारणीय है, ऐसा है, पूरा पूरा। तो इससे तो भाई साहब आप तो युवा साथी हो, परिवार है, पड़ोसी पड़ोसी हो, तो यो तो दिखने में क्या होगा यार, क्या होगा मतलब कल को क्या होगा नहीं भाई साहब, हमने ये जो शुरू में पहले बिठा था हमने तब भी देखा, जो हथियार इस पे बर्बाद करे थे पुलिस वाले के सौंपे गए थे, पुलिस वाले खुद नट रहे हैं, अब भी मारे को हथियार नहीं सौंपा गया, पहले इसने गंडा सी मारी उसको, पहले ही बढ़िया मारे दी थी, मार रखी जी सर में मारी थी इसको पहले भी जो शुरू में बढ़े। अच्छा, उसको अभी भी यो बच गया, लेकिन ये भी नहीं बचा, ये भी नहीं बचा जी। देखो आप शादीशुदा वैसे, हाँ शादीशुदा, तो कल का जो दिन था आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन होगा, क्योंकि पूरी तैयारी थी, 2,000 किलोमीटर तो लोग अपने घर आ जाए, करवा चौथ है, मेरी पत्नी मेरा मेरे नाम का मेरी उस लंबी उम्र का व्रत रख रहे है, भूखी मरेगी सारे दिन उस भगवान, क्या ऐसा हुआ कि इसने अपने पति को मौत दी? हाँ ये है जी, आप अपने पति को खुद मौत दी, सोच के नींद आओगी ये चीज़? नहीं नहीं जी, गरीब नींद नहीं आओगी, किस पर भरोसा करें, किसी पर नहीं है, दो सब का भरोसा उठ जाएगा जी, ऐसे बोल दो। तो देखो लगातार पड़ोस वाले भी इस कति क्लियर कट एक बात कहने लाग रहे हैं, इतनी बुरी जो सिचुएशन इसी हालत। नमस्ते अंकल जी, पड़ोसी हो आप भी, तो दिल तो दहल गया होगा इसी खबर सुनकर। मार तो जी पूरा दिल है, नींद भी नहीं आई होगी, आज दुनिया में न्याय नहीं है, न्याय को कत्ती नहीं, जो सिचुएशन जो हालत जो ये होया है। एक बात बताओ, जब एक आदमी इसमें हथियार लिया पड़ा देख लिया, जिसमें एक इतने बिंडे का वो था कुड़िया, कुड़िया एक कुड़िया इतना था, उसमें एक चक्कू था और एक और कहता तीसरा रहा, हाँ एक सलवास की डिब्बी थी, छोरे को मारने के लिए पहले भी गया था, नशे में नहीं था वो उस टाइम, समझे, इस छोरे को मारने के लिए रात में बैठा था, और देख लो चुकड़ दे कि वो बढ़ना कूड़न का कूदन का इसके में राह भी नहीं है, और जबकि वो नुंगो तूड़े वाले में बैठ रहा था, उन्होंने वो बछड़ा बुछड़ा खुल गया कुदरती उसने। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं देखो को आप सारे गांव में गए हर भाई, हाँ इसमें कोई वो नहीं, तो ईशा के खाकड़ हो गए, इतना ठाडा वो गांव में गए काबू में नहीं हारता, ईशा कर रहा था ऐसा जी, बेशर्म की कोई मतलब शर्मदार की कोई सुननिया है नहीं, बेशर्म की सुनाई हो सके है। एक बात बताओ, जब मौके पे पीसीआर, जब मौके पे पीसीआर आ जाती है, सीमा भी रो भी जी बार बार में ये बोल रहे हैं, कल भी हम पोस्टमार्टम के लिए गए थे भाई का, तो कल भी बोल रहे थे मेरे ऊपर तो इतनी बड़ी पावर था, मेरे पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, उसने सीमा ने बोला जी, मतलब के वो हमारे ऊपर तो इतनी बड़ी पावर है, हमारा कुछ नहीं पकड़ा किसी पर भी, मतलब हाँ भरे हमने मारा, हाँ। कर लो क्या करोगे, हाँ ये पहले भी है, इसने संजय ने भी कई बार टेम्पो के आगे बाइक अटाई बच्चे को लेकर बालक लेकर उसको मारने के लिए, पहले बाइक अटाई इसकी माँ ने नुकह दिया था, हमने बल्कि नुकह दिया था भाई गांव में जाइए, वो कंडीशन कर दिया तो गांव ने बक्से नहीं कहा, बोला तुम नजर उत्ते नहीं मान दे अपने आप कट दूंगी, ये कित गई फिर वो इबुस ने अपने लड़के ने लेकर जा रही है क्यों रखा, तो वो भी फरार है, ऐसे है गुमशुदा है ये है। अच्छा यो आलिया घर, हाँ ये संजय आलिया और उसकी माँ भी आलिया। सीमा कहाँ है? सीमा है वो तो बाहर ही है, वो नहीं है, कोई फरार है, वो तो यहीं से जा ही रही है 2 महीने से, दो महीने। देखो इसने कहा आग्रह विनाश का है विपरीत बुद्धि अपना उजाड़िया, छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के कर दिए, वो 70 साल की बुढ़िया जिसका पति पहले गुजर चुका है, कैसे तो उन बड़का न पालेगी, मान लो कितनी उम्र रहेगी, कितना जीव है मानस भाई साहब। एक बात और जी, जैसे ये पहले अंदर मिला था इसको, सीमा ने ये बोला था अगर जो
तुम संजय के खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हारे को उल्टा ही फंसवा दूंगा। उसने धमकी दी थी, उसने धमकी दी थी खुद, इसने इसका साथ दिया संजय का पूरा। देखो जिस तरीके से इन्होंने डायरेक्ट पोस्टमार्टम के समय भाई ने बताया वहां भी इतनी बड़ी धमकी दी है, हमारा ना बिगड़े कि मैं तो भाई अगर इस वीडियो को प्रशासन देखा है संभालका थाना लगा है, संभालका थाना अगर इस वीडियो को देखा है तो भाई देखो फिर तो थारे खातर भी बहुत बड़ा चैलेंज है। दूध का दूध पानी का पानी करके मानो मेरे भाईयो, अगर अब भी नहीं कराया तो फिर इस गांव की कम से कम डिडवाड़ी गांव का तो फिर प्रशासन से भरोसा उठे जाएगा, उठे जाएगा जी। आप चाहे बारीकी से इसकी पूरी जांच कर लो, मीडिया पूरी मीडिया इसकी जांच कर लो, सरपंच से कर लो, किसी बुजुर्ग से कर लो, अगर इस पॉइंट में कोई भी मीडिया भी लूज हो किसी चीज की तो आप बेच सकते हैं, दूध का दूध पानी का पानी छान सकते हैं। और एक और बात भाई नुका आग रहे तो एक बात और है, एक आदमी झूठ बोलेगा दो बोल दे भाई उनकी मिली भगत हो, लेकिन गाम राम हो है गाम झूठ नहीं बोला। अगर भाई बात में क्या मन क्या है और बात कति जांच का विषय है, अरे भाई देखे नू तो फिर ठाडे रहेंगे, कोई के न जीने नहीं देगा तड़के, कोई के चक्कू मारेगा नू, ये बात से न जी ठाडे रहे बिल्कुल, फिर तो ठाडे रहेंगे जी। शेयर करो भाई इस वीडियो ने, देखो हम एक बात आपको दिला, हमने इस बैग के मारे मैंने कैमरे लगवा रखे और सारी चीज मेरा पटदार है, जिस दिन से कैमरे लग रहे हैं ना उस दिन से सिर्फ मेरे घर के आसपास को झगड़ा नहीं हो रहा, और नहीं रहा तू खरे डर देख इस गांव वाले का के हाल बना रखा था, और वो नु गए छाती ठोक के हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। ये भी इस वीडियो ने शेयर करो भाई।